मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर सहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला है रसही दे करबला के वास्ते, कादरी कल कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सनतना व शफीकना व हबीबना वतबीबना व गौसना व गयासना व औलाना व मौलाना मुहम्मदिन वालेही व सहाबेही व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُ وَنُصَلِّي مُصَلِّي عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة آمنت بالله सदक अल्लाह अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालो, समय रिसालत के परवानो, गोसो खाजा के दीवानो, और यह जो उम्मत के तलबगारो, सौदाए मिल्लत की जानिसारो, उलमाए कराम सादात कराम, मेरे दोस्तों बुजुर्गो, मेरे उम्र साथियों, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम और आप हैं, हम और आप आज जनाब मुश्ताक साहब उमरे के लिए जा रहे हैं, तो दुआ है कि अल्लाह इनके सफर में आसानी अता फरमाए, और जितने कमेटी वाले मोहल्ले वाले रिश्तेदार दोस्त, अल्लाह इन सबको भी उमरा नसीब अता फरमा, और जाने के लिए गेम से इंतजाम अता फरमा, और सबके जिस्मों में कुव्वत हैदरी अता फरमा, और दुआ है कि अल्लाह सबको उस्मान गनी की दौलत नसीब अता फरमा, और हमारे ले जाने के लिए गेम से इंतजाम अता फरमा। मुख्तसर वक्त है, पहले आप मक्का शरीफ की फजीलत सुनिए, फिर मदीना शरीफ की, और फिक्र रहा तो एक गौस पाक की करामत बयान करूंगा। जूम के दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदीन व अली सय्यदना मौलाना मोहम्मदीन साहबी व बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीम बरकत इमाम अहमद रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, सुन्नियों के दिल की धड़कन, सुन्नियों की पहचान, मुजद्दिद आजम, कलम चलती है तो अर्ज करते हैं आका की बारगाह करम में, हाजी आओ सेंसा का रोजा देखें, हाजी आओ सेंसा का रोजा देखें, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखें। कहो सुभान अल्लाह, आका के नाम पे कहो सुभान अल्लाह। देखो हमारे जनाब कासिम भाई जज्बा देखो है, इस्माइल भाई बोलते हैं आपने नहीं जाना मदीना शरीफ है, मेरे आका सब देख रहे हैं। आला हजरत कहते दोरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दोरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आका सुन रहे हैं हमारी बात, हमें देख भी रहे हैं, पहचानते भी आका हमें, और इसलिए आका ने फरमाया था कि कल मैसर के मैदान में मैं अपने उम्मती को पहचान लूंगा। आज की या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हजरत आदम की औला, हजरत आदम की उम्मत होगी, हजरत शीश की उम्मत होगी, हजरत याया की उम्मत होगी, हजरत जकरिया की उम्मत होगी, हजरत नूह की उम्मत होगी, मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत होगी, याया ने सलातो सलाम की उम्मत होगी, इस्माइल जमीलुल्लाह ने सलातो उम्मत होगी, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम उम्मत होगी, और यूसुफ अलैहि सलात व सलाम की उम्मत होगी, मूसा कलीमुल्लाह और इसारुल्लाह की महाका, आप 1,24,000 नबी की उम्मत में से आप कैसे पहचानेंगे? आका हरमाते तो नौ, जो मुझ पे दरुद शरीफ पड़ेगा मैं उसको पहचान लूंगा। तो सुभान अल्लाह, उस दरुद पढ़ने वालों को जानता भी हो पहचानता भी हो, और मैं सर के मदद से पहचान लूंगा। और ये दरुद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना मौलाना मोहम्मदीन वाला अली सैयदना मौलाना मोहम्मद सलातो व सलाम अलैहि का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, तो पहले मक्का शरीफ की फजीलत सुनी। आका फरमाते सल्लल्लाहु तआसम हमारे बस बेहतरीन है साहब, बहुत बेहतरीन। दरुद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मौलाना मोहम्मदीन व आलिहि सैयदना अली साहब। मक्का शरीफ में हमारे मुश्ताक भाई जाएंगे, दुआ करें। उमर बापू भी है, अभी हो के आए, जावेद बापू जितने गए थे, अकील बापू, अल्लाह इन्हें और उम्र नसीब अता फरमा, दोबारा आए इंशाअल्लाह। हाँ, बार बार जाने का अल्लाह मौका आता फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो महरम शरीफ में एक रकात पढ़ेगा, अल्लाह 1,00,000 रकात पढ़ने का स्वाब अता फरमाएगा। हरम शरीफ है ये, अगर एक कुरान पढ़ लिया, अल्लाह 1,00,000 कुरान शरीफ पढ़ने का स्वाब अता फरमाएगा। ये हरम शरीफ है, एक बार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह 1,00,000 कलमे पढ़ने का स्वाब अता फरमाएगा। हत्ता के एक कलमा पढ़ने पर अल्लाह जन्नत में एक महल पैदा फरमाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर 12,000 नेकियां अता फरमाता है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने पर 12,000 गुनाह माफ फरमाता है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया वहां जाकर, अल्लाह एक एक हरफ पे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, अल्लाह 1,00,000 बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का स्वाब अता फरमाता है। और आप मुसलमान, अगर मैंने अभी पढ़ा ना, आपने सुना, उमर बाप ने सुना, इस्माइल साहब ने सुना, कासम भाई ने सुना, मुस्ताक भाई ने सुना, तो 1 हरफ पहला 10,000 नेकियां अता फरमाता है। एक हरफ पे 19 हरफ पे 19, एक एक हरफ पे 10,000 नेकियां, ये है। तो वहां जाओगे 1,00,000 बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का स्वाब अल्लाह का फरमाता है। इतना ही नहीं है, और अगर वहां जाकर, इसलिए सबके लिए दुआ करना, इसलिए कि हाजी और उमरा करने वाला अल्लाह का मेहमान है। किसका? अल्लाह का मेहमान है, और अल्लाह इसकी दुआ रद्द नहीं करता, अल्लाह इसकी दुआ रद्द नहीं करता। आका फरमाते सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब ये सवारी पे बैठता है ना अल्लाह, इसके अल्लाह तबारक व तआला एक कदम पे एक नेकी अता फरमाता है, सुभान अल्लाह, एक गुनाह माफ फरमाता है, और एक दर्जा बुलंद अता फरमाता है। लेकिन आका फरमाते जन्नत के मालिक, हौज कौसर के मालिक, तमाम नबियों के इमाम, रसूल के इमाम फरमाते सल्लल्लाहु तआला सब, कि अगर हराम शरीफ में हमारे जनाब मुस्ताक भाई होटल से जाएंगे ना, वहां का सुनो, मक्का शरीफ की बात ही है, हदीस सुनिए बदल जाओगे, बारी की बात ही है। मैं मुताला करा, दिल बाग बाग हो गया के होटल से आप निकले, एक कदम चले, एक कदम अल्लाह 700 नेकियां अता फरमाएगा। तो सुभान अल्लाह, और आका फरमाते हराम शरीफ की नेकी, एक नेकी अल्लाह 7 करोड़ नेकियां अता फरमाएगा। करोड़ों अनगिनत नेकियां मिलेगी तुम्हें, जितने कदम चलोगे नेकियां ही नेकियां है। हरम शरीफ पैदल चलना है, इमाम हुसैन ने चल के हज किया 25 हज, इमाम हसन ने 25 हज, इमाम हुसैन ने 25 हज, हाँ चल गया, वरना बेहतरीन गोरे थे नहीं, अदब देखिए। तो हम तो यहाँ से जीता पोसते, लेकिन इसलिए आपको यह हदीस बयान की
क्या होटल से चलोगे मुस्तकसब तो अल्लाह करो नेकी आता हर भाई, और जिसके लिए दुआ करोगे ना अल्लाह दुआ कबूल करता है। मदीना शरीफ में आप जाओ, मस्जिद नबी शरीफ में आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरी मस्जिद में दो रकात पढ़े, कितनी दो रकात अल्लाह हज का सवाब अदा फरमाएगा, कबो सुभान अल्लाह, आका के नाम पे कबो सुभान अल्लाह, हज का सवाब दो रकात पढ़ोगे। हाँ आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मस्जिद में अगर एक रकात पढ़ी अल्लाह 50,000 रकात पढ़ने का सवाब अदा फरमा देगा, और अगर एक कुरान पढ़ा अल्लाह 50,000 कुरान शरीफ पढ़ने का स्वाब अता फरमाएगा, तो वो सुभान अल्लाह। जमीन आसमान जितनी काली जगह अल्लाह तिन्हें किया आता फरमा, ये सुभान अल्लाह के नाम। आका फरमाते जो मस्जिद कुबा आका ने तामिल बेली मस्जिद, आका ने वहां रुके, क्यों रुके ये सुने आप, इसलिए कि फातिमा ताहिरा आई नहीं थी। हाँ इसलिए रुके, आपको ये ताजुब होगा, मेरे आका रुके और फिर फरमाते हैं जिसने मस्जिद कुबा में दो रकात पढ़ी अल्लाह उम्र का सवाब अता फरमाएगा, उम्र का सवाब। और आका फरमाते हैं एक बार कुल पढ़ा मेरी मस्जिद में अल्लाह 50,000 कुल शरीफ पढ़ने का सवाब अता फरमा देगा। ये है मस्जिद नबी शरीफ। लेकिन अर्ज ये करनी है कि बेशुमार सवाब है और उमरा हज अल्लाह का मेहमान है, कदम कदम पे नेकी आ जाओ मोदे सुबह, कदम कदम पे नेकी है। लेकिन बात सुनो, पीरों के पीर रोशन जमीर औसे आजम दसगी ने भी हज किया, एक मंजिल पे पहुंचे ना तो मेरे गौस पाक रुक गए, और रुकने के बाद अमीर भी आए, गरीब भी आए, दौलतबंदी आए, आलिम भी आए, हाजिर भी आए, सही बदिश भी आए, और मेरे गौस पाक को कहा आ जाओ चाली बाबू, कहा हमारे घर तशरीफ लाइए। लेकिन देखो ये कम माली में से सुन्नत जिंदा करते, मेरे गौस पाक ने फरमाया इस गांव में गरीब कौन है, क्या कहा इस गांव में गरीब कौन है, तो एक शख्स ने कहा कि एक बूढ़ा है बूढ़ी है, कहा उस बूढ़े को बुला के आओ भाई, देखो अदब दे। बुलाया सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना कारी हाफिज खतीब व इमाम पीर कमाल सा मसीह आजा, सर मेरे बाद इनका किताब होना है, आजा हो जाए तशरीफ लाइए। बस अभी इंशाल्लाह फिकर ना करो, 20-20 मिली दे, अब टेंशन ना लेना कि ज्यादा आलिम नहीं, सबको टाइम दिया, मैं 11 बजे खत्म करूंगा, बस जल के देने आया हूं बरकत के तौर पे, बाकी तो हजरत खिताब करेंगे बेहतरीन इंशाल्लाह। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि गौसे आजम दसगीर गरीब शख्स को बुलाया, कौन गौसे आजम जो आलिम भी है, कौन गौसे आजम जो हाजी भी है, कौन गौसे आजम इराक के मुफ्ती भी है, कौन गौसे आजम हम्बली का जो भी मसला होता पूछने आते मेरे गौस पाक बताते, इमाम साफी का कोई मसले पूछने आते ना तो उन पर भी मसला बयान कर देते मेरे गौस पाक, मालिकी आता कोई उन पर भी सवाल का जवाब दे देते मेरे गौस पाक, वो गौस पाक जिसका जिक्र खुदा करे, वो गौस पाक जिसका जिक्र मुस्तफा करे, वो गौस पाक जिसका जिक्र अली आजम करे, वो गौस पाक जिसका जिक्र फातिमा ताहिरा आबिदा मलिबा साजिदा हाफिदा साकिरा करे, वो गौस पाक जिसका जिक्र इमाम हसन करे, लोहे महफूज देखकर इमाम हसन जो जन्नत की नौजवान के सरदार है, इमाम हसन गौस पाक का जिक्र करे, वो गौस पाक जिसका जिक्र मौला हुसैन हक हुसैन दास्तान करबला जन्नत की नौजवान के सरदार करे, जिसका जिक्र इमाम जाफर सादिक छठे इमाम 12 इमामों में वो इमाम जाफर सादिक करे, वो गौस पाक
जिसका जिक्र ख्वाजा ओवैस कबीर ने किया, वो गौस पाक जिक्रा जिक्र साबी ने किया, वो गौस पाक जिसका जिक्र ताबी ने किया, वो गौस पाक जिसका जिक्र तबे ताबे ने किया, वो गौस पाक जिसका जिक्र ख्वाजा करे, वो गौस पाक जिसका जिक्र कुतुब करे, वो गौस पाक जिसका जिक्र कलंदर करे, वो गौस पाक जिसका जिक्र वारिस पाक ने किया, साबी ने पाक ने किया, महबूबे इलाही ने किया, बाबा फरीद ने किया, अरे वो गौस पाक जिसका जिक्र आलिम करे, फाजिल करे, सही को दिस करे, सही को इस्लाम करे, हिंदुस्तान में गौस पाक का जिक्र, पाक में गौस पाक का जिक्र, अमेरिका में गौस पाक का जिक्र, लंदन में गौस पाक का जिक्र, पेरिस में गौस पाक का जिक्र, चीन में गौस पाक का जिक्र, मक्का में गौस पाक का जिक्र, मदीना जिक्र, हत्ता के हर जगह हर पूरी दुनिया में मेरे गौस पाक का जिक्र होता है। वो गौस पाक फरमाते लोगों वही मेरा जिक्र करता है, इसलिए कि मैं उनका नाम मगरिब लेता हूँ, वो मैं उसका नाम मगर लेता हूँ, मेरा नाम ईसा भी लिया करता है, वही लेता है जो मैं चाहूँ। गौस पाक कहते मैं चाहता गौस पाक के तो वही मेरा नाम ले सकता है। तमाम इंसानों के दिल गौस पाक के थे, मेरे कब्जे में थे। कम बातें ये, कम बातें वो मेरे गौस पाक कहां है? गरीब के घर। ये सुन्नत अमल करना बहुत भारी है, बोलना आसान है। गौस पाक गए ना, बड़े बड़े अमीर नजराना लेके आए, नजराना लेके आए। देखो आप मुश्ताक भाई का दिल राजी किया ने, हम सबको अल्लाह हज का सवाब अता फरमाएगा। मोमिन का दिल राजी करना हज का सवाब है। क्या है? हज का सवाब है। और इतना ही नहीं, ये महफिल सजाइए ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक, हौज़े कौसर के मालिक फरमाते कि एक कदम के अवज में अल्लाह एक साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। ये कमेटी वाले मुस्ताक सबको मिलेगा एक एक कदम पे। और ये आलिम का दीदार किया, अल्लाह एक साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह फरिश्ता पैदा फरमाता है कयामत तक के लिए, तुम्हारे लिए दुआ करेगा। इतना ही नहीं, रसूल पाक फरमाते सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि जो जिक्र खुदा में शिरकत करता है ना, मेरे खाजा हिंद के राजा सुल्तान औलिया के पीर और मुर्शिद खाजा खाजगा खाजा उस्मान हरवनी, असल हारूनी हरवनी लफ्ज है लेकिन हम हारून खैर बोलना चाहिए। मैं इनके मजार पे गया, इनकी कब्र पाक में नस्तियों ने तोड़ दिया और यहाँ पुल बनाया। मैं गया हजरत, ये इनकी कब्र। वो फरमाते इसलिए आपको रिवायत बयान, उन्होंने रिवायत बयान की कि जो जितने खुदा में शिरकत करता है अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता है। कहो सुभान अल्लाह, जाए ना जाए लेकिन अल्लाह हमें हज का 100 हज का सवाब अता फरमाता है और 100 उम्रे का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। बल्कि दुरूद शरीफ सिर्फ 9 मिली थी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला रसूल अल्लाह सैयदना मौलाना मुहम्मदीन व अला आलिही सैयदना मौलाना मुहम्मदीन सादी व बारिक सलीम अलैहि करना ही दो बार कहो दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदीन व अला आलिही सय्यिदना मौलाना मुहम्मदीन सादी व बारिक सलीम अलैह। तो बात अर्ज कर रहा था, ये फजीलत है ताकि आप आए ना, आपका जज्बा बढ़े, ये मुस्तकबाई वसीला बने। देखो कमल सा मस्जिद में बहुत खिदमत करते और आलिम की खिदमत करना क्या है सुनो। आका फरमाते सल्लल्लाहु जो आलिम की एक दिन खिदमत करता है अल्लाह 1000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। यही आलिम की खिदमत करना। तो मुस्ताक आलिम की भी करते और अहले बैत की भी करते, अहले बैत पाक की भी खिदमत। आका फरमाते सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक लम्हा एक घंटा एक दिन के अहले बैत पाक की वो जो रखेगा ने अल्लाह 1 साल की नफले का सवाब अता फरमाएगा। और नफली इबादत कैसी? यानी पूरा साल रोजा रखा अल्लाह का सवाब अता फरमाएगा और पूरे साल कयाम किया पूरी रात 1 साल तक इतना अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। तो यह अहले बैत पाक की बात कितनी फजीलत है खिदमत करना है। और अगर माँ माँ की खिदमत की और सिर्फ हाथ का बोसा लिया, आका फरमाते अल्लाह 1000 साल की मदद का सवाब अता फरमाता है। सुबह उठ के माँ और बाप का चेहरा देखो, अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता है। हाँ,
वहां जाने से पहले ये काम करो, आपके मौलाना मुश्ताक मेरी माता तो इंतकाल हो गए, कब्रिस्तान जाओ, अल्लाह हज उम्रे का स्वाब अता फरमाएगा, हज उम्रे का स्वाब अता। बात चलिए तो सुनो, इसलिए कि मेरे गोश्त पाक गरीब के घर में कयाम किया, अमीर आते नजराना देते रहे देते रहे देते रहे, यहां तक तो इतना नजराना आया, सुबह हुई मेरे गोश्त पाक खड़े हुए और उस गरीब को बुलाएगा, जा तुझे सब अता कर रहा हूं, कबो सुभान अल्लाह, नजराना अता कर दिया, उस गांव में सबसे अमीर हो गए सब, कबो सुभान अल्लाह, गरीब था अमीर हो गया, यह मेरे गोश्त पाक की सखावत है, सखी बने सखी है। अरे गोश्त पाक दस्तगीर आजम, पीरों के पीर हुसैन जमीन, जो चोर को वली बना दे, जाहिल को आलिम बना दे, बे औलाद को औलाद अता फरमाए, कोई को शिफा अता फरमाए, वो मेरे गोश्त पाक जब आका सल्लल्लाहु तआला सम पहला आसमान दूसरा आसमान तीसरा आसमान चौथा आसमान पांचवा आसमान जब सिदरतुल मुंतहा में पहुंचे ना, जिब्रील अमीन बुलबुले सिदरत की या रसूल अल्लाह में आगे नहीं बढ़ सकता, अल्लाह तबारक को देख नौजवान को भेजा और आका ने कदम रखा, आज की अल्लाह ये कौन है, कहिए महबूब तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर है, तो सुभान अल्लाह। और मेरे आका हरमा से जिनके नीचे वर्ष में पहुंचा और उसके नीचे मकान देखा सब्ज कलर का लीले कलर का, जब देखा ना नूर बरस रहा था, मेरे या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यू या कय्यूम, आए अल्लाह ये मकान किसका है, कहते तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर का है, तो सुभान अल्लाह, आए नहीं गोश पाक की धूम मची हुई है, ये है मेरे गोश पाक, ये है मेरे गोश पाक, बहर कहा देखा आका ने अरसे सब्ज कलर का। और एक रिवायत ये भी है, आका हरमाते मैंने देखा जन्नत में एक सब कलर का महल और एक लाल का रसूल मरत, मैंने पूछा अरे जवानी महल किसका है, कहा आपके बेटे हुसैन का है, लाल है और हरा इमाम हसन का है, कहो सुभान अल्लाह। उम्मतियों के महल देखे मौका नहीं वक्त नहीं, सिर्फ जल्दी देना चाहता हूं, तो बात अर्ज ये करनी कि वो गौसे आजम दस्तगीर रोशन जमीर है, एक औरत बैठती तो या गोश कहती, खड़ी होती तो या गोश कहती, चलती तो या गोश कहती, फजर की नमाज के बाद या गोश या गोश या गोश, जोहर के बाद या गोश या गोश, असर के बाद या गोश, मगरिब के बाद या गोश, ईशा के बाद, तकदीर चमक गई, दो शख्स को देखे नूरानी चेहरे, नूरानी चेहरे, वो औरत पार आई, आपसे देखा नूरानी चेहरा है, खुशबू आ रही है, हजरत सलाम अलैकुम, कहा वालेकुम सलाम, कहा हजरत आप गोश्त पाक है, क्या कहा आप गोश्त पाक है, कहा हां, कहा बच्ची तुझे कैसे पता चला बेटी, कहा कि खुशबू आ रही है, कहो सुभान अल्लाह, गोश्त पाक के जिस्म से खुशबू आ रही, हत्या के पाइले हिले बेच बजते तो खुशबू आया करती थी, हाँ आला हजरत अजीम बरकत इमाम अहमद रजा, अच्छे रजा प्यारे रजा हम सबके रजा, जब पालकी पर बैठे ना, उठाया का उसमें अहले बैत कौन है मुझे बता दो, कहो सुभान अल्लाह, का आपको कैसे बतला, का खुशबू आ रही है, ये आला हजरत अजीम बरकत इमाम अहमद रजा। तो या गोश्त पाक ने पूछा बेटी तुझे कैसे पता चला, कहा खुशबू आ रही है हजरत, कहा आइए हजरत मेरे घर, कसम खुदा की मेरे गौस ने ये ना देखा गरीब है, उस औरत के घर में हजरत खाना खाके जाइए, क्या कहा तशरीफ, जैसे ही खाना की बात आई मेरे गोश्त पाक बैठ गए और वो मुरीद थे वो भी बैठ गए, हत्ता क्या आपको बताऊं कि शेख अली हेती ऐसी शख्सियत है कि ख्वाब देखते ने तो गोश्त पाक का दीदार हो जाएगा, रसूल पाक का दीदार हो जाएगा, सुभान अल्लाह। अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत, अहले बैत पाक का दामन सुभान अल्लाह, गोश्त पाक का जिक्र इनके औलाद है सुभान अल्लाह। आ जाए जरा तशरीफ रखिए। वालेकुम सलाम, यह
درود شریف پڑھیے اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلیه وصحابه وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے غوثِ آدم دستگیر اس غریب عورت کے گھر بیٹھے. وہ عورت گئی کمرے میں دعا کی, کھانا لے کر آئی, تو میرے غوث پاک نے کھانا کھایا, مرید نے کھانا کھایا, اور میرے غوث پاک پوچھتے ہیں کہ کیسا ہے کھانا, تو مرید کہہ رہا ہے غوثِ آدم میری زندگی میں, میری لائف میں, میری عمر میں کبھی ایسا کھانا کھایا نہیں. تو سبحان اللہ. اب سنو, میرے غوث پاک کہتے ہیں یہ دنیا کا کھانا نہیں بلکہ جنت کا کھانا آیا ہے. تو سبحان اللہ. اور کہیے بچی بیٹھ کے میرا ذکر کرتی ہے, لیٹ کے میرا ذکر کرتی ہے, اور اس لیے کہ یہ جب دعا کرتی ہے اللہ روزانہ جنت سے کھانا بھیجا کرتا ہے. یہ غوث آدم کا ویل, یہ میرے غوث کا ویل. اگر تمہارے گھر میں جینا کا سایہ ہے نا, قسم خدا کی لکھ لو, لکھ لو یہ عمل دے جا رہا ہوں. حضرت سے عبد القادر جیلانی سید اللہ المدد, یہ مکان غوث پاک کے قسم خدا کی جنت بھاگ جائے گا. یہ پاور ہے غوث پاک کے نام میں. ہاں, ہم سمجھے نہیں میرے غوث پاک کیا ہے. دستگیر آدم, محبوب سبحانی, قطب ربانی, سید شیخ عبد القادر جیلانی, بغدادی اسد حسینی کا نام میں یہ پاور ہے. وہ عورت کہتی ہے ہاں قسم خدا کی جب بھی مجھے بھوک لگتی میں دعا کر دی اللہ غوث پاک کے صدقے میں کھانا آتا ہر ماہ, اللہ جنت سے کھانا بھی دیا کرتا ہے. پر یہ درود صرف اللہم صلی اللہ آخری بات سنو, ماں ماں کی خدمت کرو, باپ کی خدمت کرو, صبح اٹھ کے دیکھو حج کا ثواب. دو کے حضرت ہے یہاں, میں تو طالب علم ہوں, یہ تو غوث پاک کی نگاہیں کرم ہے, خواجہ کا کرم ہے, لیکن بولنے کے لیے بہت ہے, یہ مائک کے چھوڑنے کی کسی کو, لیکن میں الگ مولانا روزانہ پھونک رہا ہوں دعا آپ لوگوں کو. وقت ضروری ہے, وقت کے ساتھ کام کرنا. سنو, محبت میں آئے مستحق بھائی, ان کا دل راضی ہوا نا, اللہ آج کو بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا, حج کا ثواب. اگر کسی کو پان کھلا دیا اس کا دل راضی ہو گیا, اللہ آج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ 10 روزانہ ڈھونڈو, 10 آدمی 10 حج کے ثواب ہے. ہاں, لیکن ہم یہ نہیں کرتے. اللہ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے. مومنوں کا دل راضی کرو, دل راضی کرو مومنوں کا, اور دل راضی کرو کہ کامیاب ہو جاؤ گے. دعا لو, دعا کیا, دعا. اور دعا پھر آخری بات, اس لیے کہ مکہ شریف کی بجان کی فضیلت مدینہ شریف کی ہے, لیکن میرے غوث پاک کی آخری بات سنو. میں جب گیا وہاں تو پیروں کے پیر روشن جمیل غوثِ آدم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی سید شیخ بغدادی حسانی حسینی ایسا ہوتا, ان کا ایک عاشق تھا شیخ محمد ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ, میں ان کے مزار پہ گیا. بابا آپ بھی گئے, کیسی ہستی ہے یہ. سبحان اللہ, ان کے صدقے ہم سب کو وہاں جانے کا موقع عطا فرمائے. ان کی زندہ کرامت سنیے, دو کرامت. ایک تھا یہ مزدوری کرتے, کیا کرتے مزدوری, کوئی پہچانتے نہیں ولی اتنے بڑے. یہ تو بغداد شریف میں طوفان آیا, اور لوگ ہمیشہ غوث پاک کی بارگاہ جاتے دعا کرتے طوفان تھم جاتا, لیکن قبر پاک سے آواز آئی, غوث پاک فرماتے لوگوں میرے پاس نہیں جاؤ, شیخ محمد کی بارگاہی میں ان کے پاس دعا کراؤ. قسم خدا کی شیخ محمد رحمت اللہ تعالی علیہ پردہ فرمانے سے پہلے وصیت کی تھی, جب میرا انتقال ہو جائے نا تو دیکھو سامنے غوث پاک کا مزار ہے, میری قبر گھیری کھودنا ہے. اور سنیے, تو بتایا نہیں, غوث پاک نے ظاہر کیا, سب لوگ گئے, ایسے محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ہندی سنو, اس لیے کہ بغداد شریف میں ابھی طوفان آیا ہے, ہم ہلاک ہو جائیں گے, انسان بھی ہلاک ہو جائیں گے, جانور ہلاک ہو جائیں گے,
हमारे खेत हलाक हो जाएंगे। आप कलम फरमाओ, वो पाक का हुक्म है, कसम खुदा की आवाज आई है तूफान मेरे अंदर समेट जा, कसम खुदा की वो तूफान था, हजरत की बारगाह में पानी आ जा, वो तूफान रुक गया, पता चला ये अल्लाह के वली है। सुभान अल्लाह, आज जिंदा करामत है। जब मैं गया था तो पानी था, मैंने पूछा कि ये पानी क्यों है, कहा कि इनकी ये करामत आज भी है, और पानी पीता है ना जो लोग तो अल्लाह उसे शिफा आता हरमा देता है, पानी में शिफा है। और जो बगदाद शरीफ में क्या है, बगदाद शरीफ में माहौल खराब होता है, बगदाद शरीफ माहौल खराब होता है तो पानी बढ़ता है, बढ़ता है, ये जिंदा करामत आज भी है। और जब पानी कम होता है तो वहां सुकून होता है। आज ये करामत है वली की, शेख बाबा दीदी रहमतुल्ला को पढ़िए दोनों से अल्लाह। अब इंशाल्लाह अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल कादिर साहब किताब करेंगे, मैं दुआ कर ले कि अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा मेरे बोलने में खामी है माफ फरमा दे। जितने लोग आए बोला तमाम को मक्का मदीना से दीदार नसीब अता फरमा दे। हम सभी कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एले बेते पाक का दामन।